क्या पिक्चर है, क्या एक्टर है, नॉन नेपो किड है भाई तो अच्छा एक्टर ही होगा, कलियारी पट्टू आता है उसको तो अच्छा एक्टर ही होगा, योगा और पशु पक्षी मेडिटेशन करता है वो अकेला जंगल में तो अच्छा एक्टर ही होगा, पैर के आठवें अंगूठे से पुशअप और अपने तीसरे निप्पल से पुलअप मार लेता है तो अच्छा एक्टर ही होगा। फुल सपोर्ट। चप्पल कहाँ है मेरी? फीलिंग प्राउड विद यूथ आर्मी। क्या पिक्चर है यार। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है कि आज से हर साल 23 फरवरी को क्रैक और विद्युत जामवाल के प्योर कटोरा कट एक्टिंग टैलेंट को ट्रिब्यूट देने के लिए मनाया जाएगा क्या, CVD यानी कि छपरी विकास दिवस। और इस उत्साह के सम्मेलन में याद करा जाएगा कि कैसे हमारे जहांगीरपुरी के जेटली चैन ने हमारे को फिल्म देखने के लिए बुलाया लेकिन वापिस भेज दिया हमारे सोच समझ और दिमाग की नसबंदी करा के। तो बस आज इसी चुतियापे के कीचड़ में खिलते चोद भंगले के कमल पर हम नजर डालेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है विद्युत जामवाल का टाइगर श्रॉफ को ओपन चैलेंज कि सुल्ताने गंडमरी फिल्मों का खिताब सिर्फ तेरा नहीं है। ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है विद्युत जामवाल को अपनी फिल्म में अपने आप को स्टंट करता देख शीघ्र पतन का दौरा। और ये पिक्चर पिक्चर नहीं है जनाब, ये पिक्चर है बॉम्बे लोकल ट्रेन में लटकते, लंड द फंड स्टंट करते, हाई वोल्टेज तारों में फंस के मरते, बर्गेंडी कलर के बालों वाले छपरियों को बुन चुम्मा सलाम। मैदान में जाएंगे, झंडा गाड़ेंगे और सबकी फाड़ेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक तुमने विद्युत जामवाल का क्रैक नामक गोबर का उपला नहीं देखा है तो अपने नजदीकी थिएटर में जल्द से जल्द जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं बैठ जाओ, क्योंकि आज के रिव्यू में मैं तुम्हारे को बताऊंगा इस लाल पहाड़ी के काले कब्रिस्तान में रहने वाले बौने लुल्ली पिशाचों के ऊपर बनी इस फिल्म के बारे में, जो इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धाट ने अपने फिटकरी जैसा दिमाग लड़ा के लैटिन भाषा में लिख दी, फिर विद्युत जामवाल ने अपना छेना मुर्गी जैसा दिमाग लड़ा के इस कहानी को पढ़ लिया पुर्तगाली भाषा में, और फिर इन दोनों मिलकर फिल्म बना दी चुतियापे की स्पेनिश में। Ready for the ride. और बताऊंगा विद्युत का इस फिल्म में भूटानी गोरिल्ला की नायाब भूरे रंग की झांटों जैसे हेयर स्टाइल के बारे में, जिसके सामने KRK की 150 रुपए की सेलो टेप वाली विग भी यूनानी देवताओं की जुल्फे लगे। ये इसके बालों को कलर किसने किया है यार, बर्गेंडी रंग, गुलाबी रंग, गेहूं और रंग, सालों को कुछ नहीं मिला तो किसान की टोमेटो केचप मिला के ही सर पे रगड़ दी, हीरो कम कुरला का रेप्टाइल ज्यादा लग रहा है। तो बेसिकली मैं चाहता ये हूं कि बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में भी सिचुएशनल प्री डिस्पोज्ड पैनिक अटैक्स हो इस पिक्चर के बारे में सुनने के बाद, क्योंकि शैतान की इस कड़ाही में मैं अकेला तो तला नहीं जाऊंगा, तुम सबको तलवाऊंगा। तेरी दूसरी आंख कौन है? मैं तो हूँ। तो इस मोमबत्ती छाप फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल सा है, और वो कॉन्सेप्ट है द क्लासिक 3-स्टेप विद्युत जामवाल कॉन्सेप्ट, जो विद्युत जामवाल की पिछली 18,000 पिक्चरों में हम देख चुके हैं। स्टेप नंबर 1, हर पिक्चर में एक्टिंग और हर पिक्चर में कहानी, गांड मराए छोले खाए, हम तो बिजी है नॉन स्टार किड नॉन नेपो किड की PR करा के सिंपथी बटोरने में। स्टेप नंबर 2, फिल्म की कहानी कुछ भी हो, स्क्रीन प्ले कुछ भी डिमांड कर रहा हो, हमें करना क्या है, कपड़े उतार के जापानी सर्कस शुरू कर देना है स्टंटों का। फिल्म में किसी की माँ को गैस गई, विद्युत जामवाल को लगता है ओ वाओ टाइम टू डू अ राउंड हाउस किक। फिल्म में किसी के बाप की शुगर बढ़ गई तो विद्युत जामवाल को लगता है ओ वाओ टाइम टू डू पार्कोर। फिल्म में गुंडे के छोटे भाई ने हीरोइन को फेसबुक पे पोक कर दिया तो विद्युत जामवाल को लगता है ओ वाओ अब मैं ट्रिपल बैक फ्लिप मार के कोई डंडा पकड़ के पैर हवा में लटका लूंगा। और ये सब करने के बाद स्टेप 3 ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देते हैं वो चार चप्पल छाप छपरी, जो बॉलीवुड को कराचीवुड कहते हैं और गलत इंग्लिश में कमेंट में लिखते हैं विद्युत जामवाल सर फुल सपोर्ट, ही स्ट्रगल वेरी मच वेरी वेरी। इस पिक्चर में भी बिल्कुल यही है, कंप्लीटली ब्रेनलेस एक्शन, कितने सारे शॉट्स, कितने सारे सीक्वेंसेस में एक्शन का डिमांड ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये कपड़े उतार के ऊत बिलाव की तरह कूद जाते हैं अंदर। इतनी हार्ट नंबिंग, टीयर जर्किंग और टेस्टिकल टचिंग कहानी है इस पिक्चर की कि लोकल ट्रेनों में स्टंट करने को, जिससे सैकड़ों चूतिया बच्चे अहमद से मरते हैं हर साल, उसको ग्लोरीफाई किया गया है, उसको हीरोइज्म बताया गया है। फिल्म में विद्युत का बाप उसको बोलता है कि तू नेचुरल बॉर्न एथलीट है, तेरे में कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, तू मेडल ला सकता है देश के लिए, हमारे देश का झंडा ऊंचा कर जाके ट्रायल दे एक्चुअल स्पोर्ट्स में। लेकिन नहीं, मिस्टर झींगा मच्छी को क्या करना है, एक झुग्गी से दूसरी झुग्गी पे छलांग लगानी है, पानी की खाली टंकियों पे चढ़ना है और रेड लाइट के पोल पे पैरों के बल उल्टा लटकना है, क्योंकि यही तो स्पोर्ट होता है।
पूरी दुनिया से छटे हुए बेरोजगार फुकरों को इकट्ठा करके एक सो कॉल्ड इलीगल एक्सट्रीम स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करा जाता है जिसमें ये पार्टिसिपेट करने के लिए मरा जा रहा है। इसका बाप कह रहा है देश को रिप्रेजेंट कर ले, लेकिन नहीं, इसने इस इलीगल स्पोर्टिंग इवेंट में देश के झंडे को ऊंचा लहराना है, ये इसकी उम्मीद होती है वहां जाने के लिए। तो इस हिसाब से मियां तो विजय माल्या ने तो भैया सबसे हाईएस्ट फ्लैग बियरर है वो हमारे देश का। अब एक कहानी लिखने से पहले तुम लोग पागल वागल हो क्या? You're married to the game now, so please be loyal in this relationship. फिल्म के शुरुआती 15-20 मिनट में ही ये बात एक बार और नोटरी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की तरह पक्की हो जाती है कि आज तक विद्युत जामवाल एक्टर क्यों नहीं कहलाता। इतनी गंदी एक्टिंग बाय गॉड की कसम मेरी आंखों की झिल्लियों और पुतलियों में ना दर्द होने लग गया। हाय गर्मी। फिल्म में पहले से ही विद्युत की एक्टिंग के मेन सर्किट बॉक्स में स्पार्किंग हो रही थी, उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल के तारों में आग लगा दी, पूरी की पूरी पिक्चर में शॉर्ट सर्किट कर दिया अर्जुन रामपाल और नोरा फतेही से एक्टिंग करा के। अरे भैया अर्जुन रामपाल अर्ली 2000s का अर्जुन कपूर था। Welcome to my lawn. और हालांकि नोरा फतेही मेरे दूर की मुंह बोली मंगेतर ही क्यों ना हो, लेकिन वो नालायक हूर की परी चूतड़ मटकाने के पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करती अच्छी लगती है। तुम कहां उन्हें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करवा रहे हो एक्टिंग की? फिलहाल तुम्हारे औकात के बाहर की। नोरा को फिल्म में एक्टिंग करता देख ये दिमाग में ख्याल नहीं आएगा कि हाय गर्मी, दिमाग में ये ख्याल आएगा हाय गरीबी, जो इनकी थी क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था अच्छी एक्ट्रेस को हायर करने के लिए, इसलिए ये टोचन का टायर लगा लिया। पूरी की पूरी पिक्चर में एक्टिंग टैलेंट के नाम पे एक जिम ट्रेनर है, एक पार्लर वाली है और एक पार्टी ऑर्गेनाइजर है। अबे एक्टर कहां है? अरे बाबा मर जाता ऊपर वाले के घर जाता। इस फिल्म को बनाते हुए विद्युत ने बड़े ही प्यार से सोचा होगा इस फिल्म की ऑडियंस होंगे तुम और मैं, लेकिन इस फिल्म की एक्चुअल ऑडियंस है ये। इस फिल्म में अपनी बॉडी दिखाते हुए विद्युत ने यह सोचा होगा कि अब तो सारी की सारी लड़कियों की ओवरियां बस्ट हो जाएंगी, लेकिन लड़कियों को यह पिक्चर देखने के बाद कुछ ऐसा होगा। फिल्म में अंग्रेजी गोरे एक्टरों के नाम पे गोवा कसौल और मनाली में धक्के खाते वीजा एक्सपायर्ड गंजेड़ी पोलैंड के हिप्पियों को धर लिया। हे यू, यू वांट गांजा गांजा, आई हैव गांजा गांजा, आई गिव यू गांजा गांजा, यू कम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा से आई पुट डायलॉग ऑन टॉप, यू टेक गांजा एंजॉय। We all know this made done. फिल्म में रिप टिकलिंग कॉमेडी करने के लिए ना जॉनी लीवर भाई साहब की बेटी जेमी लीवर को रखा है और उनको जो जोक्स दिए हैं ना वो मैं तुम्हारे को सुनाता हूँ और उसके बाद तुम्हें पता ही है क्या करना है। लॉफिंग इन 3-2-1। जोक नंबर 1, विद्युत एक गोरे लौंडे को नाचता हुआ देखता है और जेमी लीवर से पूछता है कि ये लौंडा कौन है। वो लौंडा ऑस्ट्रेलियन होता है तो जेमी लीवर बोलती है एक ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में, ये रिकी पॉन्टिंग के गांव से है। लॉफिंग इन 3-2-1 गाइस। जोक नंबर 2, विद्युत को एक चाइनीज लड़की दिखती है तो वो जेमी लीवर से पूछता है ये चाइनीज लड़की कौन है, तो जेमी लीवर फनीली कहती है चाइना से है ये कर देगी। लॉफिंग इन 3-2-1 गाइस। जैसे 13 सुरूर फिल्म में हिमेश रेशमिया गोरे लोगों के सामने कॉन्सर्ट में हिंदी में गाने गा के कछियां गीली कर रहा था, इस पिक्चर में अर्जुन रामपाल भाई साहब और ज्यादातर सारे के सारे गोरे और कालों से हिंदी में बात कर रहे हैं। कहने को तो विद्युत भैया देश के सबसे इंटेलिजेंट एक्शन स्टार हैं, लेकिन इस फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी में इन्होंने फिजिक्स की ऐसी बुआ जवान करी है, ऐसी भिंचो दी है फिजिक्स की कि आइंस्टाइन अगर ये पिक्चर देख लेना तो अपनी कबर में से उठ के 3 बार और मर जाए। फिल्म शुरू होती है, पता नहीं ट्रेन की एक बग्गी में से निकलता है, दूसरी बग्गी के ऊपर चढ़ जाता है, सारे के सारे स्टंट कर लेता है चप्पल पहन के, रगड़ने लग जाता है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर चप्पल रगड़ के, यूं करके पता नहीं कहां पहुंच जाता है। उसके बाद इसके 4 छपरी दोस्त वीडियो में फोटो खींच के कहते हैं भैया तू तो माइक टाइसन है, तू ही गोल्ड मेडल लेके आएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आया किस चीज में गोल्ड मेडल लेके आएगा अगर तू लेके आएगा तो। और उसके बाद बाप कहता है अबे तू चूतिया गया, तेरा बाप तेरा भाई तेरे से भी बड़ा चूतिया था जो इस वाले उसमें गया, तू भी जा रहा है उसके पीछे पीछे, ये फिर भी वहां पहुंच जाता है। वहां जाके नोरा फतेही मिल जाती है, अर्जुन कपूर आ जाता है बीच में, कहता है मेरी 80 करोड़ रुपए की सैलरी है जो 300 टाइम ज्यादा है अमेरिका के प्रेसिडेंट से। हाँ भाई ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ती है कहानी और फिर लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ा सा और लड़ाई झगड़ा होता है। अबे तुम्हें क्या करना है कहानी जान के, तुमने पिक्चर देखनी है क्या? इनको ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ आती कि जहां पे कहानी की डिमांड है वहां पे एक्शन करो और एक्शन को ऑर्गेनिक रखो तब मजा आएगा लोगों को देखने के लिए। जबरदस्ती का चोद बंगला शुरू कर देते हैं। अगर भाई तुम्हें अपने जिम्नास्टिक के स्किल दिखाने तो यूट्यूब वीडियो बना लो, 45 मिनट से ऊपर तुम ये पिक्चर देख ही नहीं सकते, इतनी खराब पिक्चर है। अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी के लिए जगह ढूंढनी है ना जहां पे दूर दूर तक कोई नहीं है तो इसकी टिकट खरीद लेना। नाउ ऑन अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं ये कहना चाहता हूं दैट विद्युत
is no doubt one of the finest martial art and fitness talents that we have in our country. But when it comes to being an actor, he's terrible. Just because ek banda non-nepo kid hai, uska matlab ye nahi ho jata ki wo ek acha actor bhi hai aur Vidyut uska sabse bada example hai. Acting ki baat kari jaye to Tiger Shroff aur Vidyut Jamwal mein koi bhi farak nahi hai. In fact, Arjun Kapoor is a better actor than Vidyut Jamwal by many stretches. Body banane se, martial art karne se, nange hoke jungle mein yoga aur meditation karne se tum actor nahi ban jate yaar. It literally baffles my mind ki hamare ko 2024 में भी ऐसी बिग रेड बॉलीवुड फिल्में देखने को मिल रही हैं। अभी आर्टिकल 370 जैसी बढ़िया पिक्चर देख के निकला था, सीधा आके पागल कुत्तों की गली में अपनी बुंड कटवा ली मैंने। भैया तुम्हारे को जो करना करो, मेरे बस की तो है नहीं। अब बोला इतनी वाहियात पिक्चर मैंने रीसेंट टाइम में सिर्फ टाइगर श्रॉफ की देखी है, उसके बाद यही भाई है जो उसके सबसे बड़ा वाहियात पिक्चर और कंटेंडर हो सकता है। बाकी के लिए तुम्हारे को कैसी पिक्चर लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए मामा मियां लज़ानिया पप्पी बाय बाय।